नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं फ्री म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के पार्ट 3 में। इसमें हम सीखेंगे कि हीलिंग ब्रश टूल का कैसे आप यूज़ में ले सकते हैं और उससे चेहरे से आप कैसे पिंपल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार टूल है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के। इससे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं फ्री म्यूजिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से पिंपल्स रिमूव कर सकते हैं अपनी फोटो से, जिसमें कि इस फोटो को मैं यूज़ में लेने वाला हूं और इस फोटो के मैं आपको पिंपल्स हटा के दिखाऊंगा और यहां पर मैं आपको ठीक से बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, एक टूल है जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। तो उस टूल के जरिए हम इन पिम्पल्सों को यहाँ से रिमूव करेंगे और रिमूव करके मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस जो भी ये लड़की है इसके जो ना थोड़ा सा फेस हम कॉपी कर लेते हैं, सिलेक्टन करके ये मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि मैं इस पर वर्क करूँगा, इस पर वर्क नहीं करूँगा, ठीक है। तो इससे पता रहेगा कि हाँ हम क्या वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये जो हीलिंग ब्रश टूल है इसका सिलेक्शन जो होता है, इसका मूव जो होता है वो जे पर होता है। आप जे दबाएंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और जे जब आप दबाएंगे तो इसमें कई सारे टूल हैं। ये देखिएगा, ये है सबसे पहला, फिर ये है, फिर ये, लेकिन हमें जो है ये जो तीसरे नंबर पे है हमें इसका यूज़ में लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है पार्ट्स टूल, ठीक है। इसको हम यूज़ लेंगे, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको शिफ्ट के साथ जे कर करके भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पिंपल्स रिमूव करने की। तो यहाँ पर अगर आ जाएंगे इस तरह से जे टूल को सेलेक्ट करने के बाद, आप यहाँ से जाके आप ये सेलेक्ट कर लें, आपसे फिर से बोल रहा हूँ मैं। और अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से माउस आपका ये है, ठीक है। माउस आप सिलेक्शन लीजिए इसका इस तरह से, ये लेफ्ट क्लिक दबा के इसको जो है आप रखिएगा और आप इसका सिलेक्शन ले लीजिएगा। जब इसका सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन होने के बाद आपको करना क्या है आपसे मैं फिर से बता देता हूँ। लेफ्ट क्लिक दबाइएगा और उसके चारों ओर को घुमा दीजिएगा इस तरह से, ये इसका सिलेक्शन हो चुका है, ओके। सिलेक्शन हो गया है, ऐसे मान लीजिए जैसे हम कटिंग करते हैं पेंटूल से, सब इसके अंदर भी ऐसा ही है थोड़ा सा। तो इसका जब सिलेक्शन हो जाए तो आप इसको उठाइए, यहाँ से उठा के फ्रेश जगह रख दीजिएगा। ये देखिएगा पिंपल्स कहाँ गया, वो गायब हो गया ना। तो इसी तरह से जो हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो अभी जो भी पिंपल्स हमारे हैं, ठीक है, जैसे कि ये है छोटा, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर रख दिया, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर रख दिया, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर रख दिया, फ्रेश जगह मैं इसको रखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हेयर बाल आ रहे हैं तो इनको बाल को भी उठाएंगे हम और फ्रेश जगह ला के रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप पूरे फोटो को जो है इसको कर लीजिएगा, ओके। सारे पिंपल्स इस तरह आप इसको घुमाइएगा, फ्रेश जगह लेकर आइएगा, रख दीजिएगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, घुमाइएगा, फ्रेश जगह लेकर छोड़ देना, ठीक है। ये इस तरह से आप कर पाएंगे और आप इस तरह से सारे पिंपल्स रिमूव कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्शन लेंगे, इसको भी ये सिलेक्शन लेंगे, इसको भी, ये सारे हम सिलेक्शन लेके हम इसको यूज़ में लेके और इस तरह से पिंपल्स सारे रिमूव कर लेंगे, ओके। जो भी दाग धब्बे जो भी होता है या फिर किसी कैमरे की वजह से कभी कुछ आ जाता है तो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद अभी तो सारी मैं रिमूव कर लेता हूँ, देखिए सिलेक्शन करेंगे गोल गोल। एक बात मैं आपसे फिर से बता दूँ, जब आप सिलेक्शन करेंगे इसका तो लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है और लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखेंगे आप और चारों ओर घुमाएंगे उसके और फिर जब छोड़ देंगे क्लिक, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उठाएंगे और फ्रेश जगह ले जाके रख देंगे, ठीक है। ये उठाया यहाँ पे जाके रख दिया। अब इसको हटाने के लिए, जैसे मैं बार बार इसको हटा रहा हूँ, ये जो सिलेक्शन आ रहा है तो इसको हटाने के लिए मैंने वैसे बताया दूसरी वीडियो में, लेकिन फिर से बताता हूँ, इसको हटाने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी दबाइएगा, कंट्रोल डी। तो यहाँ से जो है आप इसको हटा सकते हैं, ये यहाँ रखा कंट्रोल डी, ये यहाँ से हटाया
सॉरी ये यहाँ से हटाया और कंट्रोल डी, ठीक है ये हटाया कंट्रोल डी, ये हटाया कंट्रोल डी, इस तरह से सारे सारे आप हटा लेंगे। ओके अभी हटाने के बाद आपको थोड़ा सा फर्क तो खैर नज़र आ ही गया होगा कि अगर ओरिजिनल फ़ोटो की बात कर लें तो मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। इसका जो ओरिजिनल फ़ोटो था ठीक है, तो ये है ओरिजिनल फ़ोटो ये वाला, और ये है जिसमें हमने थोड़ा सा वर्क किया है, तो आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा किस तरह से हमने वर्क किया। और जब आप इसको पूरी तरह से कर लें तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा, जिस बी पर होता है इसका सिलेक्शन, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर 20 कर लीजिएगा, यहाँ पर 30 कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप एक ओल्ड दबाएंगे और फ्रेश जगह का सिलेक्शन ले लेंगे इस तरह से, ओल्ड के साथ ओल्ड दबाए रखेंगे और फ्रेश सिलेक्शन लेके जो ब्रैकेट वाले जो बटन होते हैं एंटर के पास में ऊपर, उसे बड़ा करके थोड़ा जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा अजीब है वहाँ आप इस ब्रश को चला दीजिएगा और इसी फोटो को सही से क्लीन कर लीजिएगा, फ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है ये जो है आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आप अभी देख सकते हैं, आप थोड़ा सा लाइट कराया मैंने, कंट्रोल एम करेंगे, कंट्रोल एम करेंगे थोड़ा सा लाइट कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर फर्क नजर आ जाएगा कि फोटो क्या था और क्या नहीं था। थोड़ा ब्लू डाल देते हैं, ये देखिएगा, तो काफी हद तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक तो काफी आपको दिख रहा होगा। देखिए जरा ये फोटो ओरिजिनल है और ये जिस पे हमने वर्क किया है इधर की साइड में, ठीक है तो ये है आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम कितने इजीली इसको कर पाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इसको काम करने में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल के जरिए, मैं आपके ईमेल का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ अगर आप फोटो में इंटरेस्टेड रखते हैं तो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे तब भी जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देख लें।